नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आठ की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज आठ की फाइट का मुद्दा है हिंदुओं पर बयान, राजस्थान में संग्राम। दरअसल नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, और राजस्थान में भी लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और हिंदू संगठनों ने प्रदेश भर में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। संतों और प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संतों ने कहा कि अगर हिंदू समाज हिंसक होता तो टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग का सफाया हो चुका होता। हिंदू हमेशा सहन करता रहा है और इसका फायदा ही सभी समाज और लोग उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए कथित तौर पर हिंदुओं को हिंसक बताया था। उनके इस बयान से हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त है। चर्चा इसी पर होगी, पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा दूं। राहुल गांधी की हिंदुओं पर टिप्पणी पर राजस्थान में फूटा गुस्सा। संत समाज उतरा सड़कों पर माफी मांगने की मांग। संतों की दो टूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदू समाज पर गलत टिप्पणी। हिंदुओं पर बयान, राजस्थान में संग्राम। चर्चा की आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए एक एक करके उन्हीं का स्वागत करते हैं। मेरे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आगे चलकर और भी हमारे साथ जैसे मेहमान जुड़ेंगे, हम उनका भी बयान सुनाएंगे, उनसे भी टिप्पणी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक सुधार करते हुए आपको बता दूं, बीजेपी से आने वाले हैं लक्ष्मीकांत जी, एसपी मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजकुमार शर्मा जी आपका स्वागत बहुत बहुत। ये राजकुमार शर्मा जी, आज कुछ किताब आप लेकर आए हैं, उसका एक पन्ना आपने खोला हुआ है, पेन उस पर रखा हुआ है, जरा बता दीजिए। बड़ी पढ़ाई लिखाई करके आप आए हैं, संत समाज पूरा सड़कों पर उतर चुका है, क्या पढ़ाना चाहेंगे उनको? रविंद्र जी, जो आदमी असली में हिंदू होता है और जो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होता है, कांग्रेस पार्टी का या अपनी पार्टी का वास्तव में ईमानदार कार्यकर्ता होता है, उसको पढ़ लिख के आने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में वो संस्कार हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को हमने वहां प्रदर्शित किया, बताया हमने। कल राहुल गांधी जी ने देश के तमाम मुद्दों को लोकसभा में बताया, गरीबी पे, गरीब अमीर की जो खाई बढ़ गई है उस पे, पहलवान पे, रोजगार पे, महंगाई पे, जवान पे, किसान पे, तमाम लंबे जोड़े मुद्दे थे। और उसके एक साथ नीट के पेपर में जो चीट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को चैनल पर डिबेट होने पर जाने के लिए मना किया हुआ है, उन तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को, देश के मुद्दों को राहुल गांधी जी ने छुआ। साथ में राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, ये शब्द उन्होंने कहे, और भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम मुद्दों को छोड़ा और हिंदू शब्द उठा लिया। अब भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र जी आप जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम करती है। 2014 से ले लो, 2019 में ले लो, और अब की बार 2024 के अंदर नहीं। राजकुमार जी देखिए, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि जो हिंदू संगठन है, देखिए एक और खास मेहमान भी लक्ष्मीकांत जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विशेष तौर पर जो हिंदू संगठन है, प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। कोटा की बात करूं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। बांसवाड़ा में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर थे, मैं बता रहा हूं आपको। झालावाड़ में देखें तो वहां पर भी सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध किया गया। यह संत समाज उतरा है, उनका यह कहना है कि ये जो हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की गई है, हिंदुओं को लेकर कहा गया है, आखिर हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है? इस पर एक स्पष्टीकरण। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, चूंकि आपने भी देखा और बार बार देखा और सुना होगा, हम भी लाइव देख रहे थे, सुन रहे थे, न्यूज 18 राजस्थान पूरी स्पीच राहुल गांधी की दिखा रहा था जब वो संसद में बोल रहे थे। उन्होंने हिंदुओं को लेकर ही कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे
रोका बीच में, कहा कि आप पूरे समाज को कैसे कह सकते हैं। तब राहुल गांधी ने, अब स्पष्टीकरण कह लीजिए या ये कह लीजिए कि अपनी सप्लीमेंट तरीके से उनको बयान दिया, या कह लीजिए कि उनको लगा कि उन्होंने गलत बयानी कर दी है, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी के हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले तो उनके मुंह से हिंदू ही निकला था, तो ये समाज जो हिंदू समाज उतरा है सड़कों पर, ये उनकी नाराजगी है, ये बीजेपी की नाराजगी नहीं है। हिंदू समाज की अगर नाराजगी होती रविंद्र जी, तो हिंदू समाज अभी दो दिन पहले चुनाव गए लोकसभा के, अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी को चितवा देता। अगर हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा होता तो 400 बार होते, राजस्थान में 25 बार होते, हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का हिंदू समाज नाराज हुआ है। जब जाके भारतीय जनता पार्टी को पसीना है, अगर अगर चुनाव अगर बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट से, जिसमें अयोध्या विधानसभा सीट भी आती है, वहां से चुनाव हार गई है, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि जीते हुई पार्टी या जीती हुई पार्टी का गठबंधन किसी वर्ग विशेष को कुछ भी कहे अगले 5 सालों के लिए, उसको खुली छूट नहीं मिल सकती है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा और उन्हीं से सीधा सवाल करता हूं। रामदास जी महाराज हिंदू संत है, बहुत बहुत स्वागत है रामदास जी महाराज जी। राहुल गांधी की तरफ से और फिर उसके बाद कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि यह तो उन्होंने बीजेपी के हिंदुओं के लिए कहा, तो फिर हिंदू संत हिंदू समाज नाराज क्यों है, सड़कों पर क्यों उतरा हुआ है, माफी मांगने पर क्यों आप कह रहे हैं राहुल गांधी को? संसद में प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी ने जो कहा है वो सकल हिंदू समाज के लिए कहा है, उन्होंने भाजपा का नाम लेकर के नहीं कहा, उन्होंने सकल हिंदू समाज को हिंसक बताया है। और मैं निवेदन करता हूं, निवेदन नहीं, उनसे ये कहना पूछना भी चाहता हूं कि आतंकवादी गतिविधियां होती है, कभी राहुल गांधी ने उन आतंकवादियों का विरोध के लिए 2 शब्द कहे क्या? देश में इतनी समस्याएं, लव जिहाद है, गोहत्या है, कभी श्री राम जन्मभूमि उद्घाटन के लिए भी तो विरोध किया है, इनकी गतिविधियां कैसी है? हिंदू विरोधी गतिविधियां हैं इनकी। जब इनको वोट लेना होता है तो ये जनेऊ कमीज के ऊपर, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर मंदिर में ढोक लगाते हैं, अपने को हिंदू ब्राह्मण कहते हैं, फिर तो ये भी हिंसक है। यदि राहुल गांधी ने रामदास जी महाराज जी ये भी कहा कि हिंदू मतलब बीजेपी नहीं है, बीजेपी कोई हिंदू नहीं, कांग्रेस भी कोई हिंदू नहीं, हिंदू तो हिंदू ही है। हाँ, बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस भी एक पार्टी है, और हिंदू सनातन धर्म का है, हिंदू एक समाज है, हिंदू कोई पार्टी नहीं है। ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हिंदू समाज को कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने सकल हिंदू समाज को हिंसक बताया है, ये साधारण बात नहीं है, ये शोचनीय बात है और बहुत गंभीर बात है, सकल हिंदू समाज के लिए बहुत गंभीर बात है ये। मतलब क्या, इसको खुलकर बताइए, गंभीर किस तरह से आप मान रहे हैं? गंभीर इसलिए है कि ये हमेशा ही तुष्टिकरण की नीतियां करते रहे और हिंदू समाज का इस तरह से विघटन करते रहे, अभी भी इसी तरह की जो दृष्टिकोण रख रहे हैं ये ठीक नहीं है। राजकुमार शर्मा, जो यहां रामदास जी महाराज जी ने कहा, मैं दिग्विजय सिंह की उस बात का उल्लेख नहीं करूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि जो बटला हाउस में आतंकी मारे गए थे, रात भर रोई थी सोनिया गांधी, मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन इस पर जरूर पूछूंगा कि लव जिहाद, गौहत्या और जो एक विशेष धर्म के लोगों की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां की जाती हैं, क्या कभी राहुल गांधी ने उसकी निंदा की है, भर्सना की है? बताइए, उदाहरण दीजिए मुझे। रविंद्र जी, रामदास जी महाराज जी को आपके चैनल पे मैं प्रणाम करता हूं, हमारे हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारे संत हैं, उनको कांग्रेस पार्टी भी प्रणाम करती है और हम भी प्रणाम करते हैं। और हमने जो कहा लोकसभा के अंदर, राहुल गांधी जी ने कहा, वो भारतीय जनता पार्टी को पता है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की बारिश के अंदर से छतरी कैसे उतारी है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मुस्को मुद्दा बना लो, और भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। सवाल किया, अब आपने प्रणाम उनको किया, उनके साथ साथ सवाल का जवाब तो दे दीजिए। राहुल गांधी की तरफ से एक धर्म विशेष के आतंकवादियों की तरफ से कोई गतिविधि अब अंजाम दी गई है आतंकी, तो उस पर कभी निंदा की गई, किसी संगठन की निंदा की गई, उनको लेकर बयान देने वालों की निंदा की गई जो उनका समर्थन करते हैं, जो कहते हैं कि यह गलती से हो गया
या कुछ इस तरह की जो बातें करते हैं उन लोगों को कभी राहुल गांधी ने कुछ कहा क्या? रविंद्र जी, राहुल गांधी भी हिंदू है, आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूं, और राहुल गांधी जी के इस देश में, हमारे इस देश के अंदर सभी जातियों का, सभी भाषाओं का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी कैसा सिनेरियो सेट करना चाहती है, आपने 2024 के चुनाव में देखा था, ये तो हिंदुस्तान के तो देवतुल्य मतदाताओं का भला होगी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ा दी। थोड़ा 400 बार होते तो न जाने इस देश में क्या करते। लक्ष्मीकांत जी देखिये, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हिंदू की ठेकेदारी बीजेपी ना किया करे, बीजेपी ही हिंदू नहीं है। रामदास जी महाराज ने भी कहा कि कांग्रेस भी एक पार्टी है, बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है। ठीक कह रहे रविंद्र जी। पहले तो मैं ये जो, क्योंकि ये बहस कोई छोटी बहस नहीं है, और ये क्योंकि 125 करोड़ लोगों का सेंटिमेंट है, 125 करोड़ लोगों की भावना है, इसलिए इसको मैं तूतू में नहीं ले जाऊंगा। बिल्कुल। पहली बात तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं बीजेपी को धूल चटा दी, बीजेपी को ये कर दिया, बीजेपी को वो कर दिया, अयोध्या 543 में से 240 सीट जिस पार्टी को मिली उसको अगर इन्होंने धूल चटा दी तो 543 में से 99 सीटें जिसको मिली उन्होंने क्या क्या चाटा होगा, आप सोच सकते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि जिसके एक नेता, जिनके नेतृत्व में 404 सीटें की किसी जमाने में आया करती थी, उनके पुत्र 3 चुनावों में मिला के 200 क्रॉस नहीं कर रहे, 3 चुनावों में मिला के भी, इसको धूल चटा दी, उसको धूल चटा दी, भगवान करे ऐसे धूल चाटते रहो आप, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। देखिए वो वीडियो पूरे देश ने देखा है, लोकसभा में चलते देखा है, सबने चलते देखा है, बोलते देखा है, सुनते देखा है, फिर भी कांग्रेस पार्टी इंकार करती है। मैं फिर सुना देता हूं कि राहुल गांधी ने संसद में बोला क्या है। डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभयमुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। राजकुमार जी, जो लोग अपने आप मुझे हिंदू कहते हैं, हमारे मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के और कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए लोगों के कान ठीक ठाक होंगे, क्योंकि राहुल गांधी इनके कान ठीक ठाक करते रहते हैं हमेशा। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सुन लिया होगा कि राहुल गांधी ने जो बोला उसमें कहां बीजेपी का नाम लिया, कहां आरएसएस का नाम लिया। देखिए रविंद्र, ये बात यही नहीं रुकती। क्या होता है कि आप अगर नाम लेंगे या मैं नाम लूंगा तो मेरी 10 पीढ़ी पहले भी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी हिंदू थे, आपकी 10 पीढ़ी भी मेरे, आपके दादाजी परदादाजी हिंदू थे, लेकिन समस्या कहां होती है जब दादा पारसी होता है, मां ईसाई होती है और पुत्र हिंदू बनने की कोशिश करता है, तब ये सब बातें सामने आती हैं। और एक बात और बताइए जी, हमारे कन्हैयालाल का गला काट दिया गया उदयपुर में, किसने काटा? नाम ले पाते हैं राहुल गांधी या नाम ले पाएंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? इसी जयपुर में बम धमाके करके हमारे 80 लोगों को कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह के शासन में मारकर चले गए, नाम ले पाएंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? किसने मारे, किस धर्म से थे? जबान सूख जाएगी, हलक अटक जाएगा, लेकिन हिंदुओं को अपमानित करने का, हिंदुओं के बारे में तुच्छ टिप्पणी करने का कांग्रेस पार्टी का एक अपना चरित्र है। आपको याद होगा 20 जनवरी 2013 को इसी जयपुर में कांग्रेस पार्टी के तब के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। आपको याद होगा, आपने खुद ने बोला अभी कि जिस तरह बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मरे हुए आतंकी थे उनको देखकर सोनिया गांधी रो दी थी, सलमान खुर्शीद ने कहा। और वो कौन से बाटला हाउस के एनकाउंटर थे, आतंकी थे, आपको पता है? वो बाटला हाउस के वो आतंकी थे जो के जो लोग जयपुर के बम ब्लास्ट में शामिल थे, तो उनको देखकर, उनके उनकी लाशों को देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। और हिंदुओं को आप कभी आतंकी कहते हो, हिंदुओं को कभी आप हिंसक कहते हो, कभी हिंदुओं को आप नफरती कहते हो, कभी हिंदुओं को आप असत्य बोलने वाले कहते हो, इनके सहयोगी दल हिंदुओं को डेंगू कहते हैं, HIV कहते हैं, और ये लोग हिंदुओं का वोट लेने की सोचते हैं। 3 चुनाव मिलाकर 200 सीटें पार नहीं कर पाए क्योंकि हिंदू अब इनके इनके असली एजेंडे को समझ गया है। लक्ष्मीकांत, समाज नाराज होकर सड़कों पर उतरा है, बीजेपी इसे कैसे देखती है? निश्चित रूप से देश का एक एक आदमी आक्रोशित है, संत समाज भी आक्रोशित है, देश का आम आदमी भी आक्रोशित है। अरे कैसे कोई आदमी हिंदुओं का आतंकी कह सकता है, कैसे कोई आदमी हिंदुओं को नफरती कह सकता है, कैसे कोई आदमी हिंदुओं को, और वो भी उस संसद में जिस देश में 125 करोड़ लोग रहते हो, एक धर्म को मानने वाले, उनकी भावनाओं का हाथ उन्हीं के संसद में चाहूंगा। संत समाज की मांग क्या है और ये मांग नहीं मानी जाती है तो फिर आगे क्या कदम होगा?
और किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट चाहिए क्या आपको? तीन सवाल एक साथ। राजनीतिक दल का सपोर्ट तो नहीं चाहिए, लेकिन सकल हिंदू समाज को हिंसक बताना एक बहुत गंभीर विषय है और ये आज का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज के ऊपर पहले भी करती आई, जैसे जयपुर के अंदर राहुल गांधी जी ने ये कहा था सभा में कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालेंगे, ये राहुल गांधी जी के शब्द थे पहले भी। अभी भारतवर्ष के निकले हुए 5 वर्षों में श्री रामनवमी और हनुमान जयंती पर कई जगह अटैक हुए हैं 7 राज्यों में, कांग्रेस ने एक शब्द भी नहीं कहा। अभी अमरनाथ वहां वैष्णो देवी मंदिर पर वहां जो एक बस के ऊपर आतंकवादियों ने अटैक हुआ, एक शब्द भी नहीं कहा। एक भी आतंकवादी गतिविधियों पर इनका एक भी शब्द नहीं निकला। हिंदू समाज के अंदर ये बात अंतःकरण में बैठती जा रही है कि कांग्रेस हिंदुत्व विचारधारा का विरोध करती है, हिंदुत्व का विरोध करती है। अब क्या मांग है संत समाज की? संत समाज की ये मांग है कि इनको माफी मांगना चाहिए कि मैं हिंदू समाज के प्रति जो दिया गया हिंसक जो शब्द है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं मांगेंगे माफी? अगर नहीं मांगी तो? नहीं मांगी तो हम विरोधाभास तो करते ही रहेंगे। राजकुमार शर्मा जी, क्या माफी मांगेंगे? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? और क्या कांग्रेस पार्टी ने, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, जो वैष्णो देवी में जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर अटैक हुआ उसकी निंदा किसी नेता ने की, याद है आपको? मुझे तो याद नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे हिंदू के ऊपर अटैक हो, चाहे मुस्लिम पे अटैक हो, हमारे देश में किसी भी जाति किसी धर्म पे अटैक हो, हमेशा हर पार्टी संवेदना प्रकट करती है, कांग्रेस पार्टी भी हमेशा करती आई है। और मैं कह रहा हूँ ये देश सभी जातियों सभी धर्मों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भारतीय जनता पार्टी जयपुर हिंदू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। राहुल गांधी माफी मांगे हो क्या? और राजकुमार जी समाज का कहना है राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्या? मामले में क्यों नहीं बोलते हैं? राहुल गांधी माफी मांगेंगे के अंदर नैतिक साहस ही नहीं है। राहुल गांधी राहुल गांधी ने कोई बात कही नहीं, वो कहां माफी मांगेंगे? मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी उन, मैंने कहा उस पूरे भाषण के अंदर हिंदू शब्द निकाल के लाई है और मुद्दों से भटकाने का बार बार काम कर रही है। एसपी मित्तल सर, इसी पर मैं जवाब आपसे लेता हूं। राहुल गांधी का जो भाषण था उसमें उन्होंने करीब 20 विषयों को सामने रखा था, लेकिन हिंदू पर जब वो बोलने चले गए तो अब अलग अलग अपनी तरह से परिभाषा हो रही है। दो सभी उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सब अपनी अपनी तरह से देख समझ भी रहे हैं उसको। क्या यह सेल्फ गोल हो गया है? और क्या यह सेल्फ गोल अगर हुआ है तो फिर इसकी भरपाई कैसे होगी? और बीजेपी की तरफ से यह आक्रमण और संत समाज की यह नाराजगी कितना नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए रविंद्र, राहुल गांधी चाहते तो हिंदू की बात को न लाके जो दूसरे मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए उसको भी रख सकते थे, और यदि क्या नाम से ये विवादित बयान नहीं देते तो मुझे लगता है कि उनका भाषण एक अच्छा होता और जो ज्वलंत मुद्दे देश के हैं वो अच्छी तरीके से देश के सामने रखे जा सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी जिस तरीके से क्या नाम से आदत से मजबूर है और बोलते हैं, और मुझे लगता है कि जो राजकुमार जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता यदि ये संसद में होते तो मुझे लगता है इस तरह का भाषण नहीं देते जैसा क्या नाम से राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में दिया गया। अब उसको स्वीकार नहीं कर रहा, कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि क्या नाम से ये तो सिर्फ भाजपा के लिए कहा गया। मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता ने भी जो पूरा ऑडियो उनका सुना दिया उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि राहुल गांधी के बयान पर कोई सफाई दी जाए। अब राहुल गांधी मेरे समझ में नहीं आता कि किस नजरिए से हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। रविंद्र, यदि हिंदू हिंसक होता तो 4 लाख लोग, 4 लाख हिंदू कश्मीर में भगाए नहीं जाते, वो वह हिंसा करते, वहां उनसे लड़ते, वो लड़े नहीं और चुपचाप वहां से आ गए, उसको उन्होंने बर्दाश्त किया। हिंदू सहिष्णु है इसीलिए आज देश में। लेकिन एसपी मित्तल साहब, उनका यह कहना है कि बीजेपी के हिंदुओं के लिए हमने किया ये कहा, तो अगर ऐसा भी है, इस पर स्पष्टीकरण दिया गया, इस पर सफाई दी गई, इस पर गलत इंटरप्रेट करने का आरोप लगाया गया, अगर ऐसा भी कहा गया तो क्या यह संसद में कहना उचित लगता है आपको? एक राजनीतिक दल, हाँ मुझे लगता है उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग है वो हिंदू है वो हिंसक है, वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि देश के अंदर 543 में से 240 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, कितना कितने लोग ने उनको वोट दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर आप पूरे समाज को यदि उससे जोड़कर आप हिंसक की बात करेंगे, नफरती की बात करेंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस के लिए नुकसानदेह,
कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जो बार बार क्या नाम से पॉकेट बुक लेकर यह कहता है कि हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, हमें संविधान की रक्षा करनी है, लेकिन संविधान की मुझे लगता है कि जो अवहेलना है वो खुद क्या नाम से कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। हमने संसद ने कहा कि राहुल गांधी ने अपना पूरा भाषण दिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए तो पूरे 134 मिनट तक क्या नाम से राहुल गांधी के इशारे पर सांसद हंगामा करते रहे। तो ये तो कोई लोकतंत्र के संविधान की। रामदास महाराज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब संत समाज क्या कांग्रेस से कहना चाहता है, राहुल गांधी से क्या आप लोगों की अपेक्षा उम्मीद है? संत समाज हिंदू समाज का जन जागरण करेगा और हिंदू समाज ही इनके खिलाफ खड़ा होगा। और ये निश्चित मानिए कि हिंदू समाज जिनके अंतःकरण में कांग्रेस के प्रति एक घृणा से उत्पन्न होने लग गई, आने वाले समय में यही स्थितियां रही तो होगी। लेकिन कांग्रेस तो बार बार ये कह रही है कि अयोध्या में तो बीजेपी हार गई, वो इस चश्मे से देख रही है। और वहां की परिस्थितियां कैसी रही है? नहीं, उनका यह कहना कि आप राम का मंदिर बनाने का लाने का दावा आप कर रहे हैं लेकिन वहां पर हिंदुओं ने ही आपको नकार दिया, उनका ये मतलब धर्म के नाम पर इस तरह की बात जो कही जा रही है ये कितनी उचित है या अनुचित है? वहां के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अयोध्या जी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वहां की चुनाव की क्या परिस्थितियां रही है। मुझे बताइए, अब कांग्रेस से क्या आप कहना चाहेंगे राहुल गांधी के इस बदलाव? कांग्रेस से यही कहेंगे कि इस देश के अंदर निवास करने वाला हर व्यक्ति यहाँ का नागरिक है और कांग्रेस में कहना चाहूंगा कि वह पुराणों का भी अध्ययन करे जिसमें लिखा है कि हिमालय समारभ्यम याव हिंद सरोवरम तव देव निर्मितिम हिंदुस्तान उच्चयते। ये श्लोक मैं आपके चैनल के माध्यम से सॉरी कांग्रेस पार्टी से कहना चाह रहा हूँ कि हिमालय समारभ्यम याव हिंद सरोवरम तव देव निर्मितिम हिंदुस्तान उच्चयते। ये हिंदुओं का रहने का स्थान है, हिंदू समाज का सबका ही है। पर लक्ष्मीकांत जी, अब आप मेरे को ये बताइए कि ज्ञापन भी हिंदू समाज का इस तरह से अपमान ना करें, बस ज्ञापन भी। हाँ, ज्ञापन भी कई तरह के सौंपे गए हैं, ज्ञापन भी कई तरह के सौंपे गए हैं और सांसदी खत्म करने तक की बात राहुल गांधी की कही गई है। देखिए, पहली बात तो जो बार बार ये अयोध्या की बात उठ रही है तो मैं बता दूं कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी 4000 वोटों से जीती है, हम फैजाबाद से चुनाव हारे हैं। और आप ये अगर इसी के आधार पर तुलना करेंगे तो वाराणसी में कांग्रेस पार्टी की जमानत ही नहीं बचेगी, मथुरा में कांग्रेस पार्टी की जमानत ही नहीं बचेगी, जहां छोटी काशी कहा जाता है जयपुर में 4 लाख वोटों से चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी। आप देखिए, दूसरी बात समझिए कि नेता प्रतिपक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। नेता प्रतिपक्ष इस देश में लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं, वाजपेयी रहे, ऐसे बड़े बड़े नाम देश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे, वहां इस तरह के छिछोरे नेता प्रतिपक्ष अगर आने लग गए तो देश के लोकतंत्र को स्वाभाविक रूप से खतरा उत्पन्न हो जाएगा, देश के संविधान को जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, जिनका संविधान में विश्वास नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम पर इस तरह की बात और बयानबाजी से बचना चाहिए, जल्दी से बेल में भेजने का काम किया है। राजकुमार जी, आपको लगता है, राजकुमार जल्दी से बताइए, रूप में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैसी बातों से बचना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी और कांग्रेस को भी ये अब समझ लेना चाहिए। राजकुमार जी, रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है देश में जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सम्मान करती है, सभी जातियों को सभी भाषाओं का सम्मान करती है, सभी जातियों का सम्मान करती है, लेकिन कोई जाति और कोई धर्म अगर गलत काम करता है तो फिर उसके लिए आपको निंदा भी करनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तुष्टिकरण के आरोप कांग्रेस पर लगते हैं, लगाए जाते हैं। अब आप उसको किसी भी चश्मे से देख सकते हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उम्मीद ये करते हैं कि संत समाज की नाराजगी दूर होगी। अब वो कैसे दूर होती है वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की फाइट में आज इतना ही।